हैं. सो आर यू डूइंग प्रैक्टिस हिंदी इंग्लिश मैथ्स सभी सब्जेक्ट्स की? प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. यू मस्ट डू प्रैक्टिस इन ऑल सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स. नाउ कुसुम हैन इज टीचिंग यू ए की साउंड. ए सेज ए. व्हेन यू राइट क ए ट, जहां पे व्हेन यू विल राइट ए तो इट गिव्स बिग साउंड क ए ट कैट. ऐसे ही हिंदी में जल, फल, नल, कमल, बतख. और आजकल हम सीख रहे हैं चार अक्षर वाले शब्द. और उसपे क्या करना है, क्या करना है? पन पन घट घट पन घट, बर बर गद गद बर गद. और जब हमारा पूरा पेज कंप्लीट हो जाएगा, हमें पढ़ना आ जाएगा, फिर हम एकदम से पढ़ेंगे बरगद पनगद. ओके. और व्हाट अबाउट मैथ्स? मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. You know that? Why? क्योंकि जब भी हम बाजार जाएंगे तो हमें कुछ भी सामान खरीदने पे we have to pay the money. हमें के पैसे देने पड़ेंगे. और पैसे हम कैसे देंगे यदि हमें काउंटिंग नहीं आएगी? तो कैसे देंगे हम पैसे? इसलिए हमें मैथ्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो टूडे आई विल टेक योर मैथ्स क्लास. ओके. Now let's start our maths class. Here's our today's topic is before. Today we are doing before. और आप सब लोगों को मालूम है the meaning of before is जो number ऊपर आता है, पहले वाला number means given number के ऊपर वाला number. Suppose यहाँ पे लिखा है this number is 24. What the number? 24. Means 24 के ऊपर क्या आता है? अभी आपको now practice करने के बाद अब आपको you will not write the counting here. आपको अपने आप अपने mind में सोचना है. Or you can do this thing कि 24 तक you will count in your hand. This number, this line is 2's line. 21, 22, 23, 24. कीप द फिंगर हियर, फिंगर रख लिया. और उसके बाद हमें ये देखना है कि ये 24 से पहले क्या नंबर आया था. इट वॉज 23. तो वी विल राइट 23 हियर. ओके. और ये दिस नंबर इज 20. 20 किसकी लाइन में आता है? यू फर्स्ट यू थिंक अबाउट इट. एक मिनट के लिए आपको पहले थिंक करना है. यू मस्ट थिंक अबाउट दैट कि 21 लास्ट में किस लाइन में आता है. इट कम्स 11 की लाइन में. 11 की लाइन के नीचे लास्ट में 20 आता है. देन यू विल काउंट 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. कीप द फिंगर हियर, 20 पे फिंगर रखा. और उससे पहले विच नंबर वाज देयर, यहाँ पे हमारा क्या नंबर था, उसको नहीं समझ में आता, अगेन यू विल काउंट 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 से पहले हमने क्या बोला था, 19. और यू कैन थिंक अबाउट लाइक दिस कि जो जैसे अब ये 20 है, मैम ने आपको बताया था 2 से 2 के ऊपर ऑलवेज कम 9. और सॉरी 0 के ऊपर ऑलवेज कम 9. और 2 के ऊपर कम्स 2 के ऊपर नंबर 1. वेल ओके, दिस इज 15. आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 5 के ऊपर 4 और 1 का 1. और ऐसे भी कर सकते हैं हैंड में 11, 12, 13, 14, 15. कीप द फिंगर, फिंगर रखा. और 15 से पहले हमने यहाँ क्या नंबर बोला है, यू विल राइट दैट नंबर. 6 के ऊपर क्या आता है, इमीडिएटली हम थिंक करेंगे. और नहीं आता तो विल काउंट इन अवर हैंड. 6 के ऊपर 5 एंड 5 विल कम इन वंस लाइन. 32 2 के ऊपर 1 और 3 का 3.
or you can apply this method 31, 32. 32 तक काउंट किया, 32 के ऊपर क्या है 31, 40. आप अगेन अप्लाई दैट, जीरो के ऊपर विल विच नंबर विल कम, जीरो के ऊपर 9 और 4 के ऊपर 3. ओके 37, अगेन यू विल थिंक या 6 के ऊपर और 3 का 3, या आप और यू कैन अप्लाई 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. कीप द फिंगर और 37 से पहले हमने विश क्या नंबर बोला था, यू विल राइट दैट नंबर 36. दिस इज 10. 10 के ऊपर विश नंबर कम्स 9. आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप इस तरह से भी कर सकते हैं. सपोज 24 है, 24 वी विल काउंट इन आवर फिंगर्स. अभी तो हमने ये बॉक्सेस में काउंट किया था, यू कैन काउंट लाइक दिस आल्सो 21, 22, 23, 24. 24 से पहले क्या नंबर था ये 23. सपोज 37 है, यू विल टेक आउट योर फिंगर 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. और 37 से पहले क्या बोला था 36. किसी भी मेथड से हम ये कर सकते हैं. और यदि हमारे हम माइंड में एक मिनट के लिए आईज क्लोज करके 36 बोल रही है, मैम 36 के ऊपर क्या आता है, यू विल राइट दैट नंबर. ओके डू दिस वर्क इन योर मैथ्स नोटबुक एंड सेंड इट टू योर क्लास टीचर. डू प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस, सो मैनी प्रैक्टिस यू विल डू इन योर रफ नोटबुक. बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद आपको बहुत इजी से बिफोर आ जाएगा. ओके टिल देन.